thermally insulated pot has 150 gram ice at 0 degree Celsius. How much steam of 100 degree Celsius has to be mixed to it so that water of temperature 50 degree Celsius will be obtained? एक थर्मली इंसुलेटेड पॉट है जिसके अंदर 150 ग्राम आइस रखा गया है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें स्टीम को इंट्रोड्यूस किया गया है तो हम स्टीम को आइस के साथ मिक्स कर रहे हैं जिससे क्या होगा, आइस मेल्ट होगा, आइस पिघलेगा, पिघलने के बाद उसका कन्वर्जन होगा वाटर में और वाटर का टेम्परेचर रेज होते हुए 50 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। स्टीम का टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ स्टीम, कितने स्टीम की जरूरत पड़ेगी सो दैट वी कैन रेज टेम्परेचर ऑफ वाटर टू 50 डिग्री सेल्सियस। दो चीजें हैं, एक है आइस और दूसरा है स्टीम। स्टीम इज सप्लाइंग हीट, आइस इज एब्जॉर्बिंग हीट, सो वी कैन राइट हीट बैलेंसिंग इक्वेशन, हीट गिवन बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय आइस। यहां समझने वाली चीज ये है कि दोनों तरफ फेज चेंज हो रहा है। स्टीम इज गैसेस फेज ऑफ वाटर, स्टीम का कन्वर्जन हो रहा है वाटर में, एज वेल एज आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, आइस का कन्वर्जन हो रहा है वाटर में, दोनों तरफ फेज चेंज हो रहा है। तो जब भी फेज चेंज होता है लैटेंट हीट आती है, सो हीट एब्जॉर्ब और हीट सप्लाइड। तो इन चीजों को आप सही तरीके से कैलकुलेट करिए जिससे न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। सॉल्व करने से पहले एक बार मैं समराइज करता हूं कि हमें किस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो हमें स्टीम ने कितनी हीट सप्लाई की है वो कैलकुलेट करना है, सेकेंड हाउ मच हीट इज एब्जॉर्बिंग आइस, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो दोनों को कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर हम जो भी डेटा मिला है वो मेंशन करते हैं। तो यह आप देख सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस दिया है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी गई है, मास ऑफ आइस, टेम्परेचर ऑफ आइस, टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ स्टीम, और जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी मास ऑफ वाटर और मास ऑफ स्टीम आता है तो दोनों मासेस में कंफ्यूजन आता है, सो यू कैन राइट मास ऑफ वाटर एज एम डब्ल्यू, मास ऑफ स्टीम एज एम एस फॉर सिंप्लिसिटी एंड फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट सॉल्व द इक्वेशन, हीट गिवन बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय आइस। यहां तक आप आसानी से समझ चुके हैं, सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट हीट एब्जॉर्ब बाय आइस। अब आइस जो हीट एब्जॉर्ब करेगा और वाटर में कन्वर्ट होगा इसमें आ रही है लैटेंट हीट, इस कन्वर्जन का मैकेनिज्म कैसे होगा दैट वी विल मेंशन फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या होगा, आइस, सो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। सो यहां हीट एब्जॉर्ब होने वाली है और सेकेंड इस स्टेज में भी हीट एब्जॉर्ब होने वाली है, एक फेज चेंज वाली हीट और एक टेम्परेचर राइजिंग वाली हीट। सो यू कैन मेंशन इट लाइक Q1 एंड Q2 फॉर आइस। टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय आइस विल बी सम ऑफ दिस टू हीट्स Q1 एंड Q2, Q1 प्लस Q2 विल बी टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय आइस। देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू, व्हेन देयर इज फेज चेंज हीट का फॉर्मूला ऑलवेज रहेगा लैटेंट हीट मल्टीप्लाइड बाय मास। सो इन दिस केस लैटेंट हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वाटर एंड वी गेट 80 मल्टीप्लाइड बाय 150। राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट दूसरी हीट कौन सी है, Q2, दैट इज हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए फॉर्मूला होगा MC∆T, जहां ∆T आ गया वहां फॉर्मूला होगा MC∆T। मास ऑफ वाटर इज 150 मल्टीप्लाइड बाय 1, वैल्यू ऑफ सी फॉर वाटर इज 1 एंड ∆T इज 50 डिग्री सेल्सियस। राइट इट एज इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय आइस वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट 80 मल्टीप्लाइड बाय 150 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय 50 एंड वी गेट 19,500 कैलोरीज। अंडरलाइन इट, एक साइड का कैलकुलेशन हमारा हो गया, आइस साइड कैलकुलेशन इज डन। नाउ लेट्स सी कैलकुलेशन ऑफ स्टीम, हीट गिवन बाय स्टीम। स्टीम में भी फेज चेंज हो रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस।
and then water of 100 degree Celsius will get converted into water of 50 degree Celsius. Why? Because final temperature of mixture will be 50 degree Celsius. We are rising temperature of water to 50 degree Celsius. So mixture will achieve equilibrium. ये नहीं होगा कि एक ही मिक्सचर में 0 डिग्री सेल्सियस का भी वाटर है और 50 डिग्री सेल्सियस का भी है, कुछ 25 डिग्री का. इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब तक टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं होता तब तक हीट एक्सचेंज होता रहता है. सो लेट्स कैलकुलेट हीट सप्लाई ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस टू वाटर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस. फॉर्मूला होगा एल इंटू एम. सो वी गेट 540 मल्टीप्लाइड बाय ms. m is mass of steam. In the bottom you can write small s, mass of steam. Write it as equation number 3. Now second stage, heat supply during conversion of water of 100 degree Celsius to water of 50 degree Celsius. यहाँ delta T है, इसका मतलब formula होगा mc delta T. m is mass of steam, c is value of c will be 1 and delta T is 50. So ms multiplied by 1 multiplied by 50. So total heat given by steam will be sum of equation 3 and 4. Total heat given by steam is equal to 540 multiplied by ms plus 50 multiplied by ms. ms ko hum common nikal sakte hai, in bracket 540 plus 50. So jaise ki humne initially discuss kiya tha, heat given by steam will be equal to heat absorbed by ice. So from this equation we can write ms multiplied by 590 will be equal to 19,500, and we get mass of steam 19,500 divided by 590, और इसका आंसर हमें मिलता है 33 ग्राम. Therefore 33 grams of steam of temperature 100 degree Celsius has to be mixed with ice to achieve temperature of water 50 degree Celsius.